हे व्हाट इज़ अप गाइस। तो गाइस आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे इस तरीके का फ़ोटो बना सकते हो, वो भी अपने फ़ोटो के साथ। तो इसलिए इसके लिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखते रहो, आप भी कर पाओगे ऐसा फ़ोटो अपने फ़ोटोज़ के लिए, अपने फ़ोटोज़ के ऊपर। तो गाइस एज़ यूजुअल की वीडियो को आप ज़रूर एक लाइक करके जाना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और चैनल पर अगर आप नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम के अंदर भी जाके फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों ये फोटो एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज मैं इस फोटो के साथ एडिटिंग करने वाला हूँ, तो आप अपना ट्राई करना एक ऐसा फ़ोटो क्लिक करने का जहाँ पे आपका हाथ थोड़ा सा आगे हो और आप इमेजिन कर रहे हो कि आप हाथ में कुछ मतलब पकड़े हुए हो, ऐसा कुछ आप इमेजिन कर रहे हो। तो ऐसे आप अपना एक फ़ोटो क्लिक कर लेना, मोबाइल से भी कर लीजिए एंड बैकग्राउंड आप पिक्सार से ब्लर कर सकते हो। तो उसके बाद आप मतलब क्या करना है, यहाँ पे मैं अपना फ़ोटो को जो है इसको मैं लाइट रूम ऐप के अंदर ओपन करता हूँ, क्योंकि इसको मैं कलर ग्रेडिंग से शुरू करना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पे ऐड टू लाइट रूम के अंदर क्लिक कर लेता हूँ। तो फोटो यहाँ पे मेरा लाइटरूम ऐप के अंदर ओपन हो गया है। अब मैं इस फोटो को थोड़ा सा कलर ग्रेड करूँगा। तो सबसे पहले मैं इस बेसिक आइकन के अंदर चला आता हूँ, उसके बाद हाइलाइट्स को बिल्कुल ज़ीरो कर लूँगा, वाइट्स को भी बिल्कुल ज़ीरो कर लूँगा, थोड़ा सा शेडोज यहाँ पे इंक्रीज़ करता हूँ, ब्लैक्स को थोड़ा सा कम करता हूँ एंड यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को लगभग इतना मैं कम कर लेता हूँ। दोस्तों आई थिंक आपको लाइटरूम पता है कैसे काम करता है, इसलिए यहाँ पे मैं आपको जल्दी से जल्दी बता देता हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे इस आइकन के अंदर चलाता हूँ, ऊपर चलाता हूँ मैं यहाँ पे मिक्स टूल के आइकन के अंदर। तो मिक्स टूल के आइकन के अंदर आने के बाद यहाँ पे मैं ऑरेंज कलर पैलेट को चूज़ करूँगा, क्योंकि ये स्किन टोन का कलर होता है। उसके बाद ल्यूमिनेंस को पहले थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ। अब मैं आता हूँ येलो कलर टोन में, यहाँ पे ह्यू को कर लूँगा -100 एंड सेचुरेशन को यहाँ पे -100 कर लेता हूँ, थोड़ा सा इधर रखता हूँ। ओके थोड़ा सा ल्यूमिनेंस को कम एंड मैं ग्रीन कलर को चूज़ करूँगा, सेचुरेशन -100, ह्यू को भी -100 एंड थोड़ा सा ल्यूमिनेंस को कम। अब यहाँ पे सियान कलर को लेता हूँ, यहाँ पे सियान कलर के सेचुरेशन को हाई करता हूँ एंड ब्लू कलर को लेके इसका भी सेचुरेशन हाई करता हूँ, लेकिन ब्लू कलर इस फोटो के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं हाई कर लेता हूँ एंड बाकी जो दो कलर यहाँ पे रह गया है इन सब का सेचुरेशन 0 ऊपर से कर लूँगा डन। एंड आप यहाँ पे व्हाइट बैलेंस को थोड़ा सा एडजस्ट करना है, तो यहाँ पे टेम्परेचर का वैल्यू को मैं थोड़ा सा कम करूँगा लगभग इतना। तो देखो ये अच्छा लग रहा है देखने में, सुपर। एंड थोड़ा सा यहाँ पे वाइब्रेंस को ऐड करूँगा एंड मैं मूव करूँगा इस आइकन के अंदर, देन ऊपर आऊँगा मैं स्प्लिट टोन के आइकन के अंदर एंड यहाँ पे हाईलाइट का स्लाइडर को लेके यहाँ पे एक ब्लू कलर टोन यहाँ पे चूज़ करूँगा, सियान टाइप का कलर टोन, ये सही है। ऊपर से कर लूँगा इसको डन एंड पहले थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिटी को ऐड करता हूँ, विग्निटी को यहाँ पे कम करता हूँ, विग्निटी को एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, सुपर। आप बताओ इस आइकन के अंदर, उसके बाद यहाँ पे मैं शार्पनिंग को पहले ऐड कर लेता हूँ लगभग इतना एंड नॉइस सिलेक्शन को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, बहुत इजी है। अब एक लास्ट स्टेप रह गया है, जो है यहाँ पे आपको इस प्रीसेट के आइकन के अंदर आना होगा, देन यहाँ पे आपको कार्ब को चूज़ करना होगा, देन चूज़ कर लीजिए यहाँ पे आप लिप शैडो इफेक्ट, ऊपर से कर लो डन। एंड अमाउंट को आप कम करना चाहते हो तो आप यहाँ पे बेसिक आइकन के अंदर चले आओ, देन कॉन्ट्रास्ट का वैल्यू को और भी ज़्यादा यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से। तो मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा है। ऑलराइट अब मैं इसको सेव कर लूँगा इस फोटो को, यहाँ पे सेव करने के लिए थ्री डॉट आइकन के अंदर क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पे सेव टू डिवाइस ऑन हाईएस्ट अवेलेबल क्वालिटी हिट ओके। तो लाइटरूम के अंदर फोटो को सेव कर लेने के बाद इस फोटो को मैं ओपन करूँगा पिक्सार ऐप के अंदर। पिक्सार ऐप के अंदर आने के बाद यहाँ पे मैं जो PNG है उसको मैं ऐड करूँगा, तो यहाँ पे ऐड फोटो के आइकन के अंदर चलाता हूँ। तो इस PNG के साथ ही साथ यहाँ पे एक और PNG है, उसको मैं लेके यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो इन दो PNG का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है, आप वीडियो के एंड में जाके डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पे मैं क्या क्या स्टेप आजमाता हूँ आप इसको देख लो ध्यान से। पहले ये जो कलर PNG है इसको मैं हाथ के ऊपर रखूँगा कुछ ऐसे एंड इसका ब्लेंड मोड को मैं यहाँ पे करूँगा स्क्रीन एंड ओपासिटी को थोड़ा सा कम करूँगा। अब मैं अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूँगा, टेक्स्ट को रखूँगा यहाँ पे हाथ के ऊपर, ऐसे लग रहा है कि हाथ के ऊपर ये जो होप टेक्स्ट है ये लहरा रहा है, मतलब क्या बोलते हैं हवा में ये उड़ रहा है। तो गाइज अभी दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो इसको मैं कर लेता हूँ ऊपर से डन।
तो यहाँ पे हमारा फोटो एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। आप अगर चाहो तो यहाँ पे अपना लोगो और कुछ अगर आप टेक्स्ट लिखना चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, अपना नाम भी लिख सकते हो। तो मैं इसको सेव करने का प्रोसेस दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे चले आओ ड्रॉ टूल के अंदर। ड्रॉ टूल के अंदर आने के बाद यहाँ पे थ्रीडॉट आइकन के ऊपर क्लिक करो, देन यहाँ पे सेव इमेज। और दोस्तों अभी तक आप अगर इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर देना और कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ भी हो सके तो शेयर कर देना ये वीडियो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप इस चैनल पर अंदर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप कभी मिस मत करो। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मैं मिलता हूँ एक अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय एंड कीप क्रिएटिंग।